और मछली मिला चलो चलो, तो आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो पर। सो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं दोस्त? आपको लाएंगा हम लोग जा रहे हैं ना आज कुछ यूनिक करने जा रहे हैं, यूनिक करने जा रहे हैं। एंड इट्स 4 AM हो रहा है ना ऑलमोस्ट। सो पूरा अंधेरा ही है, सो अब हमें चलना पड़ेगा 2 घंटा का रास्ता। यहाँ से हम कौन सा रास्ता लेंगे? यहाँ से हम लोग सोपो जाएंगे अभी, वो भी पैदल। 2 घंटे का रास्ता है, मामूली नहीं है। वहां से हमें एक जंगल की ओर जाना है, जहाँ पर हम जैसे कि आपने तो देखा ही होगा थंबनेल में कि हम किस तरीके का वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसी तरीके का ही होगा कि हम जंगल में कुछ कुछ करेंगे, जैसे कि कुछ ढूंढ के कुछ कैसे बताएंगे अभी, आप ही कुछ बता दीजिए जंगल एक्सप्लोर। बेसिकली इट्स लाइक हम कुछ करने जा रहे हैं एक्साइटिंग थिंग, और हमारा लोकल में हम कैसे किए जाते हैं लाइक फूड एक्सपेरिमेंट्स, एंड यू नो व्हाट, हम एक्सप्लोर भी करेंगे जंगल को। एनीवे इट्स टू फार, बट हम वक्त के साथ जितना जल्दी पहुंच जाए तब ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर शुरू होता है। हम लोगों ने ये चॉइस किया है कि वो ब्रिज से हम जा सकते थे, लेकिन वहाँ से बहुत दूर हो जाएगा, सो हम ये नदी पार करके जाएंगे अब। तो चलिए हम सोपो पहुँच गए हैं। हाँ सोपो, हम सोपो की नदी में, सोपो वहाँ है लेकिन सोपो ही बोल रहे। तुम पिंती पिने के बोलने का क्या डर है? वारा इस अपिंग पिने अंदर अपिंग। अरे ये नदी नाने बड़े हो रहे हैं, चद्दी ने पन्ने से भी अपिंग नहीं बोल सकते हैं। अपिंग अपने करने जरूरी नहीं है। So we reached Sopo, as you can see, up to Sopo to पहुंच गए हैं, और यहाँ से रास्ता हम काट कर जाएंगे, वो उस तरफ पर होगा हमारा place। So
चलिए आपको हम अब सीधा प्लेस पे ही मिलते हैं, लेट्स गो। स्पॉट पर तो पहुंच गए लेकिन हमें अपना एक डायरेक्ट एक ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। सो ठिकाना ढूंढने के लिए अब हम सबसे पहले बेम्बू वाले प्लेस में जाएंगे क्योंकि वहां पर ही हम अपना खाना वाना पकाएंगे। सो अब हमें प्लेस ढूंढना ही पड़ेगा, तो चलो। चलने के बाद आखिरकार मिल ही गया बेम्बू। सो चलते हैं। और एक बात है कि हम सुबह से लगातार चल ही रहे हैं, सोचिए 2 घंटे चलने के बाद हम अब यहाँ आए हैं जंगलों पर। पाव बहुत ताकत आ गई, आज रात तो बहुत पाव दर्द करेगा। सो बेम्बू पेक रहा है वैसे। तो हमको ही पकड़ देना पड़ेगा, इसी तरह मिलाएंगे। दोस्तों ये दाग को कवर नहीं चाहिए क्या? नहीं, हम उसको पूछे, उसको दाग को बंद करने के लिए। सो अब बम्बू तो काट लिया, अब हमें ऊपर जाना है। देख सकते हैं कि वहां से वो तोड़ रहा है, एक फालतू चीज हो गया है कि चाकू गायब हो गया। सो चाकू तो पहले भी गायब हुआ था, अभी वापस घूमने गई चला गया होगा। हमारे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है देखो। अब चाकू गायब हो गया था, अभी पट्टा पूरा वो दांत से काटता है, देखो मामूली है क्या, वो दांत से काटने के बाद इतना तकलीफ करने के बाद चाकू अभी जाकर मिला आखिरी में। वैसे पत्ता तो हमने कलेक्ट कर लिया है, समथिंग 18 पीसेस के आसपास तक हमने जमा कर लिया है। सो इट विल बी इनफ फॉर अस। सो तो कोई अपना प्लेस चला गया होगा, कहाँ गया तो मालूम नहीं, यहाँ से यहाँ पर ही बैठ रहा था, तो यही जगह ही प्लेस है और ऊपर गया, देखते हैं। तो सीधा हम लोग के प्लेस पर मिलते हैं। सो इससे बुरा और क्या हो सकता है। मछली मिला। अब हम अपना बैकपैक करके सीधा निकलते हैं उसी और जहां हमें जाना है। तो इसमें तो पीसेस बहुत ही कलेक्ट होते हैं। सो अब हम इसको धुलाएगा ना दोस्त। तो अब हम इस बेम्बू को धोने को जा रहे हैं। इसमें क्या दोस्त? चावल। चावल, यस। चावल और मीट का ना। सो ये पानी का? पानी? पानी बॉइल नहीं करेगा? पानी यही तो है। इसको इधर पीगा बोलते हैं? क्लीन है नहीं? या कोई मुटता नहीं, हकता नहीं। क्लीन है तो एक गुट ट्राई करके देखेगा ना। अबे यार 2 गिलास मार लिया। ये है हमारा लोकल ग्लास, लुक्स गुड।
सो उसके हिसाब में तो ये पानी बहुत ही साफ है। ये पानी बस धो लेगा ना, धुलाना जरूरी नहीं होता। वो बम्बू का जो अंदर जो वाइट होता है वो कुछ हार्म नहीं करता, वाइट वाइट वाला है ना, कुछ नहीं। सो पानी इस तरीका का है। सो टेस्ट करते हैं। अकेला होने से तो थोड़ा सोचना था पीने के लिए, बट हम एक बहुत ही क्या बोल देगा दोस्तों को अभी एक्सपीरियंस वाले पर्सन के साथ हैं हम, क्योंकि ये लड़का जो है बचपन से इस जगहों पर घुमा है, इसके पापा लोग के साथ बहुत आया है। लो दोस्त ये पता है। अच्छा अकेला नहीं आता। It's done, बोले के पाँव में से ड्रॉप गिर रहा है, मछली आया ऐसा लगा था अकेला। लाइए चावल, लाइए चावल, लाइए। सो वहाँ पर है टमाटर वगैरह। सो मैंने आपको बताया नहीं कि शायद पहले कि हम ये सो सब्जी वगैरह है जो हम घर से लेकर आए हैं, सॉरी उसके लिए। सो अभी दिखा रहा हूँ। सो हम लोगों ने आलू लाया, प्याज लाया, लहसुन लाया, टमाटर लाया, और उसके बाद मीट, जो मीट हमने कल खरीदा है, कल खरीद कर फ्रीजिंग करके रखा है और सुबह को हम लेकर आए हैं सुबह को। सो उसके बाद ये जो है चीनी, चाय पत्ती और नमक, ये तीन इन्ग्रीडियंट्स के साथ ही बनेगा। हल्दी वगैरह नहीं लाए हैं क्योंकि हम मीट को बॉईल करेंगे डायरेक्ट पावर डायरेक्टर, और बॉईल ही करना पड़ेगा, फ्राई करने का तो जरिया है ही नहीं। सो कुछ भी हम घर से वही, और फ्री सॉरी हम कुछ तवा ववा भी लेकर आए नहीं घर से, पूरा लोकल चीज़ से बना रहे हैं, बस खाने का सामान ही हम लेकर आए हैं। सो इसके अंदर पानी है, एक बार दिखाइए यार, हाँ जिसको आता हूँ ना। क्या क्या चटनी है दोस्त, क्या क्या का मिक्सर है? नहीं नहीं मचा कुछ है बस। किस में, उसमें डालने के लिए? ओके कर देखो बम्बू, तू देख रहा है बोल रहा हो। सो अब ये चीनी डाला जा रहा है। सो अगर आपको आइडिया नहीं है कि हम इस बम्बू पर ही क्यों कर रहे हैं, सो आपको मैं बता देता हूँ कि इस बम्बू पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जितना कच्चा होगा तो इसे जलने में इतना ही कम समय लगेगा, और तब तक इसके अंदर में जो भी सामान है वो जल्दी पक जाएगा। अगर ये नहीं होकर अगर ये बम्बू होता तो इसे आप आग में डालोगे तो जलना शुरू हो जाएगा इसी की तरह। सो आप जैसे कि देख सकते हैं कि वो कितना देर तक बैठ रहा है, उसके नीचे में पूरा काला काला हो गया पर वो जल नहीं रहा है। सो इसीलिए हम इस बम्बू को यूज़ करते हैं, और इसका जो लेयर है बहुत ही मोटा है, और प्लस ये कच्चा है, और ये कच्चा लकड़ी जो होता है वो जलता नहीं, आपको तो जैसे कि मालूम ही होगा, इसलिए हम इस बेम्बू को यूज करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा क्लिप करेंगे, ठीक है, क्लिप करेंगे, फिर अच्छे से ऐसे पकड़ेंगे। कहाँ का पता पता कर रहा है, लाओ ना।
निकाल लिया इसे, अब इसे बस पकने का इंतजार है हमें। और ये जो चाय का जो था वो उबल ही रहा है जस्ट, सो चाय का पानी उबल गया है, अब हम डालेंगे चाय पत्ती। लालची से घुसता है चीनी और कर इसको जल्दी बना ला, आग डालेंगे पता है। एक ग्लास को ले आओ के निकाले, अंधेरा क्यों है भाई, तुम्हें किसी तीन ही ग्लास बना के रखा है, दोस्त कहते है चार तू है नहीं देखा पियो ना, एक ग्लास चाय पकड़ो ना इसको। सो हम चाय डालेंगे यहाँ और डालो दोस्त पकड़ देना, लो काफी है काफी है, जूस नहीं डालो ना इसमें, गिलास दिलाया के दिलाया, रुको रुको काका। सो हम इस चाय को टेस्ट करेंगे, मे बी अगर आप कोई भी देख रहे हो और ये मुझे आखिरी बार देख रहे हो तो जरूर याद करना मुझे। नॉर्मली चाय ना अलग ही, हाँ ठीक है नॉर्मली ना तुम टेस्ट करके बताइए। नहीं ये कटने वाला एंगल गलत है, हाँ नॉर्मली है तो ठीक है ना। वेटर शुगर प्लीज। हमारा ब्रेकफास्ट तो यहाँ हो गया, चाय ही ब्रेकफास्ट है हमारा। डिनर का दिखा सुकून खाएगा गरम गरम गुस्सेला। सो ये जो खाना है वो आखिरकार पक ही गया है, दस पक गया ना डायरेक्ट। आई मीन इसको जिस तरह कुकर को हम लोग बनाते हैं ना, हाँ। स्टीम करने देते हैं ना जब सीटी बज जाता है तो वेट होने दे, उसी तरह अभी तो ठंडा होने देगा ना, इसको ठंडा होने देना। ओके ओके पानी मिला के क्या? नहीं पानी में नहीं, इसका पानी को गिराएगा। ओके ओके इसे देखो या शामिल है, ये देखा ये पानी इसको पेक के ठंडा होने देने से काफी है ना। हाँ मतलब वो चावल जो अंदर पक चुका है लेकिन पानी ज्यादा है, समझ रहे हैं? ओके ओके वो कुछ नहीं, पानी कुछ नहीं, बस वो निकल जाने से हो गया। इसे जब उतारता है ना संभल के स्टीम को लगने मत दो, ये तो टूटेगा ना, गरम होता तुम्हारा हाथ में नहीं बड़े पूरा ये हिल रहे हैं देख सकते हैं, और स्मेल भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। बस हमें बस छोड़ देना। देखो चावल देख रहे हैं ना, ये चावल जो पूरा पक चुका है, संभल गया गर्म है, और यहाँ भी देख सकते हैं मोस्टली यह पक चुका है जल के, यहाँ में यहाँ में थोड़ा जल गया होगा लेकिन वो काला डायरेक्टली नहीं है तो ब्राउन टाइप होता है। ओके ओके टेस्टी तो ठीक है, इसको चिल्लाओ तो नहीं तो। ओके तो चावल भी अच्छे से पक गया है, सो अब हम सब्जी का प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अभी सब्जी बनाने के लिए जा रहे हैं, तो सब्जी को किस तरीके से बनाएगा? सब्जी को हम लोग चिकन का साथ ये आई मीन इसको बोलेगा हम लोग, इसको ये भी एक लोकली है, इसको हम लोग पेप बोलते हैं, अदर वे में आदमी लोग क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं है। सो इसको हम लोग काटेगा, और सो चिली भी हम लोग कूट चुके हैं। ओके एंड टमाटर डालेगा और प्याज डालेगा, उसके बाद मीट डालेगा बस। ओके बाद नमक। ओके वेल डन, वेल डन हो जाएगा ठीक है। ओके सो अब है मीट की बारी, तो देख सकते हैं कि ये मुर्गी मीट है, ये थोड़ा
कल रात के फ्रिज में रख। तो आप यहाँ पे जो भी तरीके से देख रहे हैं कि हम जिसे भी कर रहे हैं, ये सब लोकल वही है ना, पूरा लोकल ही है ना। सो दोस्त, तुमको क्या लगता है कि ये जो तरीका से हम पका रहे हैं ना, ये कब से चला आ रहा है? जेनरेशन तो ना, मतलब ओए चमड़ा एक जा रहा है एक दिन मीठा हम लोग नहीं सोएगा। मतलब क्या है ना, उस समय ये मीठ तो नहीं था, अलग मीठ होता था, मतलब समथिंग वाइल्ड बर्ड और मीठ, इन सब तरह का मीठ ब्रांड चलता है। मतलब ये जब बर्तन ताली नहीं हुआ, मतलब उस समय नहीं हुआ होता था। तो दोस्त, हम कुछ सुना था ना, रूमर से या असली है वो तो पता नहीं, कि हम ये सुना था कि तुम्हारा पापा डायनासोर का मीट खाया था। एक्चुअली इसको जब बनाते हैं, एक बेम्बू सूट को सुखाया जाने का वो चीज को डालते हैं, जिसके कारण से और स्वाटी सूट है। सो वो तू अपने ही ना बदले में टमाटर डालेंगे। ओके ओके, और ये चीज आपका कॉस्टली भी नहीं है, आपको बर्तन ताली खरीदना जरूरी नहीं, बस ओनली यू नीड इस टेक्निक। ओके, आपको जानना है बस किस तरह बनाना है। ओके ठीक है, ओके ओके ओके। उसके बाद ये तो हो गया, मीट हो गया हमारा। सो आप कुछ मेरे व्यूअर्स को सजेशन देना चाहोगे कि ऐसे जंगलों जगह पर आने से कैसा कैसा करना है? आई मीन जितना भी हम लोग वीडियो में किया है उसको आप लोग कैचअप कर लेने से हो जाएगा ना, काफी है ना। उसके बाद या फिर आप लोग मोस्टली, हम लोग निशी ट्रैवल में हर किसी को मालूम है ये हुए, आदि लू का अलग हुआ होता है, निशी लू का अलग हुआ होता है, गालो लू का अलग हुआ होता है। ओके, सो इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अलग अलग डालता है। उसके बाद आप लोग अपना मतलब ओल्डर लोग से पूछो, मम्मी पापा से पूछो कैसे बनाया जाता है, उनके साथ एक्सपीरियंस करना चाहिए। ओके, ऐसे घर बैठे बैठे मतलब कुछ हो नहीं सकता है, खुद को जितना हो सके बिजी रखना चाहिए। ओके ओके ओके, दैट्स व्हाई। सो आप लोगों ने जो भी सुना है वो बहुत ही अच्छा बात किया इसने। सो अगर आपको ये तरीका मालूम नहीं है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और आपको इससे जितना भी सीखने को मिलता है मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको काम आया कि नहीं ना। सो मुझे तो इस चीज़ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम हो रहा है, एंड मैं कभी अपने बड़ों के साथ भी ऐसे जगहों पर नहीं गया, मेरा फर्स्ट टाइम है ये, मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। सो इसने मुझे बहुत ही अच्छे से घुमाया, सो उसके लिए बहुत ही थैंक यू है, बहुत थैंक यू दोस्त। सो होप करता हूँ कि आप भी कुछ सीखोगे इससे। सो अब अगर कभी ऐसे जगहों पर आते हो और आपका बर्तन थाली सहित थोड़ा कम कभी कभी पड़ जाता है, थोड़ा सा कम पड़ ही जाता है ना, ना प्रॉपर भी नहीं होता है कि हर कोई मीन्स कि जंगल आता है तो कभी ना कभी कुछ भूल ही जाता है। सो इसी तरीके से जंगल में आकर आप इस तरीके से बना सकते हो। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। दाओ हाँ सच है, आपके पास नाइफ नाइफ से भी काट सकते थे ना, जैसे तैसे करिए ना, टफ हो जाएगा साल हो जाएगा। सो दाओ जैसे कि एक सोड़ ही कहेंगे ना उसे तो, सो हमारे अरुणाचली में जो एक सोड होता है इसे हम दाओ कहते हैं। सो उस चीज़ को लेकर आपको जरूर आना है। सो उसी से आप अपना बेम्बू काटोगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि दाओ से आप काटोगे, और कुछ भी जो भी ना अच्छा सा नाइफ आपके पास होगा तो आप उसे काट सकते हो, लेकिन आप ऐसी चीज़ जरूर लेकर आइए बेम्बू काटने के लिए। तो यहाँ पर एक सब्जी का थैली पड़ गया है, थैली कहेंगे या क्या जो भी हम आप करें। तो यहाँ पर ऐड हो रहा है अब मीट। ओए और एक बम्बू ले आओ तो, अब वो तीन बनाना पड़ेगा, ये आलू चीज ज़्यादा भरा हो। तो सब्जी जो है वो जुड़ नहीं रहा है, मीन्स की जुड़ नहीं है, मीन्स ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए बम्बू ज़्यादा पड़ेंगे हमें। दोस्त इसको पकने एक प्रॉपर टाइम कितना लगेगा? 15 मिनट्स ले लो, 15 मिनट्स ना, वी हैव प्लेंटी टाइम। ओके, वक्त अवेलेबल है। ओके ओके, नमक तो दे सुन, नमक ना
कभी लेप थाप से देना नहीं चाहिए। हाँ क्या को ट्वेंटी परसेंट हो गया फोन पे चार्ज किया ही नहीं। हम लोग गेम भी एक मैच खेल नहीं नहीं सो हम लोगों ने जो ये मीट रखा है सो ये अच्छे से पकने के लिए इसे लगेंगे 15 मिनट। सो 15 मिनट तक हमें रुकना होगा। और ये दोनों जो तोरे देरे पहले गायब हो गया था सो वो लोग ये करने गए थे कि इस पट्टे को लेने गए थे। सो ये बहुत ही अच्छे से बिच के आया। सो ये तो ठीक है। अब वहाँ पे और सब्जी का काम चल रहा है और यहाँ बम्बू आग के लिए कर रहे हैं। सो अब हम करेंगे बस इंतज़ार मीट कब पकेगा, उसके बाद खा कर हम सीधा चल लेंगे। सो अब यहाँ बन रहा है चटनी। सो हवा तो बहुत ही मजा आ रहा है, ऐसा रहने का मजा ही कुछ हो रहा है भाई। नेचर ही चीज़ ऐसा है। देखिए हम जब कोई शहरी इलाकों में जाते हैं वो आपको बस मिलेगा भीड़ भाड़ गाड़ी वगैरह। कसम से भाई जंगल में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने कभी ये लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि जंगल पर आकर ये सब कर कर कैसा होता है। सो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और आप भी ज़रूर आइए कभी ना कभी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपके पास दम है तो आइए। सो लेकिन आप ज़रूर एक एक्सपीरियंस वाले लड़के के साथ या लड़की के साथ या किसी भी बड़े या इसके साथ भी छोटा हो या बड़ा हो बस उसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो उसके साथ आप ज़रूर आया करें, नहीं तो वरना मेरी तरह हो जाएगा कि गलत पट्टा काट के बैठे। सो पक चुका है हमारा सब्जी। सो अब हम खाएंगे इसे मिलकर। सो हो बहुत इंतज़ार करना पड़ा था, अब तो हो गया है। दिस इज पीस, विदाउट दिस पीस वी आर नथिंग। ओके ओके ओके। तुम बहुत अच्छा डायलॉग मारते थे, कहाँ से सीखा है? तुम्हारा हर एक बात मीनिंगफुल होता है, कहाँ से सीखा है दोस्तों? चांगला पुतन सांगला अंदर में है बस। सो देखिए जैसे कि ये देख सक रहे हैं कि पूरा बहुत ही अच्छे से उबल रहा है ये। इसमें जून बहुत पीस है। दुके 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 हाथ में ग्राउंड आता इधर 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 कमल गट 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 मारना है वैसे। तो ये मीट तैयार हो गया है, सो टेस्ट करके देखते हैं। पूछ के ना पापा से बात करेंगे। नदी पे ओए नाइस। अरे तो क्या बोलेगा, क्या जैसे निकले रहे मत ही बोलो तुम जब भी बोलते हैं ना बहुत फालतू बात बोलते हैं। तो पक तो ले ओए क्या फालतू ऐसे निकल रहा है। वो टाइप बनाया था इसको। वो पत्ते पत्ते दे 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 दे। एक को बनाए बोले तो वहां में
सुना। निकालने का वक्त आना क्यों अभी से निकल गए किस जगह? खुद के ला लाओ बड़ा। सो खाना फाइनली हो ही गया है, जैसे कि अब ये देख सकते हैं या शुरू ही हो गए हैं। सो एक टेस्ट करके देखते हैं। नो सॉल्ट। सो मीट तो ना, ये क्या कटा है क्या इसको? बतम बोल सकते हो भूख लग के ज्यादा मुरा हो गया था क्या? मेरा पेट रेप मार रहा था अभी। अब मीट ना, मीट बहुत देश दिया सो आज का वीडियो बस यही खत्म होता है और हम लोगों ने जहाँ खाया है हम उसे साफ करके हम चले जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।